नमस्कार, वेलकम टू चैनल ऑफ बचत क्लासेस। आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंट 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है वो पेपर हमारे में सॉल्व करने वाले। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर हमारे पास सबसे पहले है यहाँ पे, ये नवंबर 2019 का हमारा एक्सपेरियंट यानी कि पेटी का पेपर है। ये देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे बनता। क्वेश्चन नंबर वन जो है आपके पास सारे थियरिकल क्वेश्चन है, 2.5 मार्क्स क्वेश्चन के। तो आपको यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर टू जो कि आपको कंपनी फाइनल अकाउंट्स का जो फुल एग्जांपल है वो। यहाँ पे आपको पूछा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंसेस एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन ट्रिपल ए लिमिटेड प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च, और बैलेंस शीट भी आपको तैयार करनी है शेड्यूल टू के हिसाब से। दोनों कैलकुलेशन आपको बोला गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो दोनों कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा पूरा ट्रायल बैलेंस हमारे पास है और उसके नीचे आपको थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट के बारे में हम पहले डिस्कस कर ले। तो बिल्स रिसीवेबल है 50,000 मैच्योरिंग आफ्टर 31 मार्च। ये कंटिजेंट लायबिलिटी है यानी कंपनी की फिलहाल कोई लायबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये आपको सिर्फ नोट के हिसाब से आपको बैलेंस शीट के नीचे लिखना। सेकेंड जो आपके पास है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 15 लाख रुपीज ऑन 31 मार्च। क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पे दिखाया जाएगा। मैं आपको सारी एंट्रीज एक बार यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट इसकी दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो चेंज इन स्टॉक के अंदर ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन के अंदर आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है यहाँ पे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑन 1/4 15 लाख और आपका क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक है। तो पीएनएल के अंदर आपको सबसे पहले क्या कर देना है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर देना। तो ये आपका हो गया फर्स्ट इफेक्ट। और सेकेंड आएगी असेट साइड के अंदर इन्वेंट्रीज के अंदर। तो हम असेट साइड के अंदर इन्वेंट्रीज में देख लेते हैं। बैलेंस शीट के अंदर आप देख सकते हो कि आपके पास अदर करंट असेट्स होता है। अदर करंट असेट्स के अंदर सबसे पहले आता है इन्वेंट्री कर एज इन्वेस्टमेंट और फिर होता है इन्वेंट्रीज। तो 15 लाख की आपकी इन्वेंट्रीज यहाँ पे दिखाई गई, ये होती है उसकी सेकेंड इफेक्ट। सेकेंड थर्ड क्वेश्चन जो आपके पास है, डायरेक्टर्स हैव प्रपोज डिविडेंड है 12% के साथ। 12% होता है इक्विटी शेयर कैपिटल का। इक्विटी शेयर कैपिटल आपका क्वेश्चन के अंदर दे रखा है यहाँ पे देखे तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे 30 लाख रुपये। तो 30 लाख रुपए का हम 12% के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो 3,60,000 हो जाएगा। तो हमें ये जो होता है प्रपोज डिविडेंड, ये अदर करंट लाइबिलिटीज में एक तो इफेक्ट आती है। तो हम पहले लाइबिलिटी साइड देख लेते हैं इसके अंदर कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर हमने लिखा है प्रपोज डिविडेंड 3,60,000। ओके, ये प्रपोज डिविडेंड के साथ उसका DDTP काउंट हो जाता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जो कि आपको क्वेश्चन पे दे रखा है कि यहाँ पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है क्वेश्चन के अंदर आपको बताया है कि आपको 20.56 निकलना। तो आपको 3,60,000 का 20.56 कर देना है, 74,060। ये दोनों की सेकेंड इफेक्ट आपके पास कहाँ पे आएगा? तो इसकी सेकेंड इफेक्ट आपका पीएनएल अकाउंट के अंदर आप जो नीचे बनाते हो अप्रोप्रिएशन, वहां पे उसकी सेकेंड इफेक्ट है। देयर इज प्रपोज डिविडेंड और डिविडेंड और डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो ये हो गया आपकी दो इफेक्ट्स आपके नेक्स्ट वाला जो आपका एडजस्टमेंट है। अच्छा, प्रोवाइड फॉर करंट ईयर टैक्सेशन 26%। तो ये जो होता है आपका टोटल एक्सपेंसेस के बाद जो आपका टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है उसका हमें यहाँ पे 40% नहीं है, 26% है सॉरी। तो आपको 26% यहाँ पे आपको क्या कर देना है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कर देना है। क्वेश्चन में आपको 26% आपको करंट ईयर टैक्सेशन लिखा हुआ है। तो हमने 26% किसका कर दिया है, 36,23,870 का 26% हमने कर लिया। माइनस इक्वल टू कर लेंगे तो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो होता है उसकी सेकेंड इफेक्ट आप कहाँ जाए? तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की सेकेंड इफेक्ट होती है आपकी लायबिलिटी साइड्स पे अदर करंट प्रोविजन के अंदर, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे 9,42,206 आपकी इसकी इफेक्ट आती है, जो कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर। उसके बाद देखते हैं तो प्रोवाइड डेप्रिसिएशन अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ द बिल्डिंग पर एनम एंड प्लांट एंड मशीनरी 18.9। दोनों के वैल्यू आपके पास है क्वेश्चन के अंदर कि और आपको दोनों दे रखा है यहाँ पे, बिल्डिंग भी दे रखा है यहाँ पे, प्लांट एंड मशीनरी आपको 6 लाख रुपए दे रखा है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे। और बिल्डिंग भी आपको अंदर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि बिल्डिंग आपको 60 लाख रुपए दे रखा है, उसके ऊपर जो आपको परसेंटेज काउंट करना है, एक तो आपको लिखना है असेट साइड के अंदर जो आपकी फिक्स असेट्स है
उसके अंदर हम लिखेंगे टेंजिबल असेट्स के अंदर। पहला तो आपके पास होगा बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया कि जितना परसेंट हमें बोला गया था उतना परसेंट हमने बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, और फिर प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया। दोनों को WDV था, यानी कि जो मैथड आपको दिए, जो रिटन डाउन वैल्यू दे रखी है उसके ऊपर ही काउंट करते हैं। परसेंटेज जो काउंट किया उसकी सेकेंड इफेक्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर अदर एक्सपेंसेस के अंदर लिखी जाएगी। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस के अंदर आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस के अंदर डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग एंड डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जो हमने काउंट किया था लिखे। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन के अंदर बाकी हमारे पास है सैलरीज आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च का 20,000 रुपये, और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है 50,000। तो पहले सैलरी देखिए, आप यहाँ पे देख लेते हैं कि सैलरी टू स्टाफ 5 लाख रुपए और 20,000 है ना, तो दोनों की साइड साथ में एंट्री दे देते हैं। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम एक्सपेंसेस के अंदर एंट्री दे देंगे कि आपका सैलरीज जो होता है वो एम्प्लॉयज बेनिफिट में लिखा रहता है। तो हम यहाँ पे ये जो है पहले हम सैलरी लिखी है 5 लाख एम्प्लॉयज बेनिफिट के अंदर, उसके अंदर आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने ऐड कर दिया है। और फाइनेंस कॉस्ट के अंदर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन होता है, जो कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दोनों मिला। अच्छा, आउटस्टैंडिंग है तो अदर करंट लायबिलिटी हो जाएगी, तो अदर करंट लायबिलिटी के अंदर हम उसको इफेक्ट में दे देंगे। तो असेट साइड के अंदर करंट लायबिलिटीज में अदर करंट लायबिलिटीज में हमने दोनों लिख दिए हैं, दैट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन। ये क्वेश्चन के लिए आपको पूरा फॉर्मेट लर्न करना होता है कि किस तरह से कौन से फॉर्मेट के अंदर सारी चीज़ें लिखी जाती है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बस ये इतने एडजस्टमेंट है, कोई हिडन एडजस्टमेंट इसके अंदर नहीं दे रखी है। तो बाकी सारी इफेक्ट्स तो हमें पता है किस तरह से दी जाती है, हम बता देते हैं। एडवांस टैक्स पेड किस तरह से होगा, तो एडवांस टैक्स पेड जो होता है वो एडवांस टैक्स यानी असेट साइड पे लिखा जाएगा। तो शॉर्ट टर्म लोन से एडवांस के अंदर आपको लिखा जाएगा, तो असेट साइड के अंदर हम लिख देंगे, दैट इज यहाँ पे आप देख सकते हो कि शॉर्ट टर्म लोन से एडवांसेस में हमने लिखा हुआ है ई पॉइंट के अंदर हमने एडवांस टैक्स ले रखा है 3 लाख। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, ऑडिटिंग फीस है, ये दोनों एक्सपेंस है। क्योंकि दोनों एक्सपेंसेस हमें कहाँ लिखने हैं, तो दोनों एक्सपेंसेस हम एक्सपेंसेस में लिख देंगे। तो PNL अकाउंट के अंदर अदर एक्सपेंसेस जो होते हैं वहाँ पे इसको हमने लिख रखा है कि एडवर्टाइजिंग एंड ऑडिटिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद है हमारे पास बिल्स रिसीवेबल, जो कि हम कहाँ लिखते हैं और यहाँ पे यानी बैलेंस शीट के अंदर हम लिखेंगे इसको ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर। तो ट्रेड रिसीवेबल्स हमारा असेट साइड पे होता है, तो हमने असेट साइड के ऊपर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल दोनों यहाँ पे आते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर हमने टोटल करके लिख दिया है, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं था। तो आपको यहाँ पे डेटर्स भी, एक तो बिल्स रिसीवेबल आपके पास 6,50,000 रुपये था, और यहाँ पे आपको डेटर्स भी दे रखे थे जो कि लास्ट में है 5 लाख रुपये, कुल मिला के 11,50,000। ओके, बाकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम क्रेडिट साइड आ रहे हैं। यहाँ पे कैश इन बैंक है, बिल्डिंग तो ऑलरेडी हमने नोट कर लिया है, फिक्स असेट्स में कैश इन है, कैश एट बैंक है, और कैश इन हैंड दोनों होता है। तो कैश एट बैंक और कैश इन हैंड दोनों दे रखा है, तो दोनों की इफेक्ट हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमने लिखा हुआ है कि उसके अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस कुल मिला के 11 लाख की इफेक्ट है। इसके बाद है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, जो कि हमारा एक्सपेंस था। ओके, और इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड जो होता है कि वो है हमारा इन्वेस्टमेंट, तो इससे हम करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर लिख देंगे। तो करंट इन्वेस्टमेंट हमारे पास लिखा है 40,50,000, जो कि हमने यहाँ पे इफेक्ट भी पूछा। ओके, तो हमारे पास जो करंट इन्वेस्टमेंट थे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड 5 लाख, सॉरी, तो इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड हमारे पास जो है वो इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ओके, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारे पास 5 लाख रुपए थे यहाँ। ओके, जो बैंक लोन था इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन तो हमने एक्सपेंसेस में लिखा हुआ। लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, ये दोनों हमारे फिक्स असेट्स है, तो हमने फिक्स असेट्स के अंदर यहाँ पे इसको लिखा हुआ है। फिक्स असेट्स के अंदर हमने लैंड और प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर तो डेप्रिसिएशन किया था, लैंड भी हमने लिख दिया है 3 लाख। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है कि भी प्रिंटिंग एक्सपेंसेस एंड पोस्टेज जो एक्सपेंसेस है वो दोनों जो चीज़ें हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर देखे जाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर हम देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे पास जो था
उसके अंदर हम देखें यहाँ पे कि हमने यहाँ पे एक्सपेंसेस के अंदर अदर एक्सपेंसेस के अंदर लिखा हुआ था। ये रहा आपके पास प्रिंटिंग एंड पोस्टेज, दोनों एक्सपेंसेस हमने लिखे हुए थे, दोनों एक्सपेंस लिखती है अदर एक्सपेंसेस के अंदर। और उसके बाद हमें दे रखा था रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल 20 लाख का है, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम हमारे पास होता है पीएनएल अकाउंट के अंदर, उसके अंदर हमने इफेक्ट दे रखी है। तो सबसे पहले होता है रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 20 लाख रुपए, यहाँ पे इसके अंदर परचेज और परचेज रिलेटेड एक्सपेंस यानी ट्रेडिंग के एक्सपेंस अगर है तो इसके अंदर लिखे जाते हैं। ओके, उसके बाद है हमारे पास रॉ मटेरियल तो हमने लिख दिया था, सैलरी टू स्टाफ भी हमने लिख दिया, ट्रेड भी लिख दिया। अच्छा, बात करते हैं लायबिलिटी साइड्स की, तो लायबिलिटी साइड्स पे हमारे पास होती है ट्रेड क्रेडिटर्स। तो ट्रेड क्रेडिटर्स जो होते हैं वो हमने लिखे हुए हैं करंट लायबिलिटी में। तो करंट लायबिलिटी के अंदर हम देखें तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी के अंदर हमारे पास होते हैं ट्रेड पेएबल्स के अंदर क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल दोनों चीज लिखे जाते हैं। तो हमने कुल मिला के टोटल अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स का। तो ये था क्रेडिटर्स। और उसके बाद था शॉर्ट टर्म एडवांसेस, तो हमने लोन ले रखा है, छोटी मोटी लोन ले है, इसे करंट हम करंट यानी शॉर्ट टर्म एडवांसेस के अंदर लिखेंगे, यानी शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर 5 लाख रुपए लिखेंगे। तो यहाँ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यहाँ लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म एडवांसेस 5 लाख रुपए। ओके, उसके बाद हमारे पास जो आता है वो होता है सेल ऑफ स्क्रैप एंड सेल्स। ये अदर इनकम में जाएगा सेल ऑफ स्क्रैप, जबकि सेल्स हमारा कहाँ पे जाएगा, सेल्स में जाएगा ऑपरेशन के अंदर। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास होती है यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसे हम सेल्स कहते हैं। और अदर इनकम के अंदर हमारे पास आता है सेल ऑफ स्क्रैप। इस और भी है इनकम, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि यहाँ पे मेंशन किया होगा। ओके, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है वो शेड्यूल 2 में जलाए करके रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, प्रेफरेंस शेयर नंबर 1 में चले जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास कुछ और बैलेंसेस थे, बिल्स पेबल था, कैपिटल रिजर्व था, ये लॉन्ग टर्म लोन था, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म लोन जो है वो लायबिलिटी साइड जाएगी, तो लॉन्ग टर्म लोन अब लायबिलिटी साइड पे हमने लिखा हुआ है। पहले पीएनएल अकाउंट के आइटम देख लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट लिखा है। ओके, अब बात करेंगे असेट्स लायबिलिटी साइड की, तो लायबिलिटी साइड के ऊपर चले जाते हैं पहले। तो लायबिलिटी साइड्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले आपने देखो कहाँ क्या का लिखा है, सबसे पहले कैपिटल रिजर्व जो कि रिजर्व 2 रिजर्व सरप्लस में जाएगा, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व है वो भी वहीं पे जाएगा। तो हमने दोनों चीज यहाँ पे लिखी है कि कैपिटल रिजर्व एंड डेवलपमेंट रिजर्व रेशियो दोनों दे रखते हैं हमारे पास। उसके बाद इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर वो शेयर कैपिटल में चले जाएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा था 30 लाख दे रखा था, और यहाँ पे आपको सेकेंड पेज के ऊपर प्रेफरेंस शेयर 6 लाख रुपये। उसके बाद हमारे पास बाकी बचता है वो है 10% लोन। तो 10% लोन फ्रॉम एसबीआई, तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो जाएगा, तो हमने यह लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमारा 10% एसबीआई लोन। बस फिर आपको क्या करना है, जो भी मेन हेडिंग के उसके अंदर आपको सारा टोटल करके बाहर निकाल देना है, जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस का टोटल करके हमने यहाँ पे आउटर कॉल में लिखा हुआ है, नॉन करंट असेट्स है उसका टोटल बाहर निकाला हुआ है। तो अप्रोप्रिएशन अमाउंट और सारी चीज माइनस करने के बाद पीएनएल अकाउंट में जो बैलेंस बचेगा, हम पीएनएल अकाउंट में चले जाते हैं, ये हमारा पीएनएल अकाउंट है, उसका हेडिंग लिखना रह गया है। तो यहाँ पे हमने जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा उसमें से अप्रोप्रिएशन अमाउंट हमने माइनस कर, और अप्रोप्रिएशन का ये दोनों प्रपोज डिविडेंड और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, तो बाकी बच गया 22,47,648। ये जो सरप्लस है वो हम शेड्यूल 2 के अंदर लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, और उसके साथ हमारा ओपनिंग बैलेंस भी दे रखा है। तो ये सरप्लस हमारा पीएनएल अकाउंट का था और ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट 1,25,000 आपने दे रखा है। इन दोनों का हमने टोटल करके यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज 23,73,640। ओके, तो ये होता है हमारा बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन जो कि पूरा क्वेश्चन, आशा है आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से ये क्वेश्चन किया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टोटल दोनों साइड का आता है 1,07,71,400। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो कुछ इस तरह से है कि इसके अंदर हमें कैलकुलेशन करना है गुडविल का, तो सॉरी फंड फ्लो स्टेटमेंट का। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन कैसा है देख लेते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि यहाँ पे आपको जब बताया गया था यू रिक्वायर्ड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये और वाला क्वेश्चन है सॉरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा गया था ये क्वेश्चन कि
आपको पता है कि फॉलोइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन सीसीसी लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2018 और 19 दोनों मेंशन किया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, नीचे लिखा है फ्रॉम द अबव यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल एंड फंड प्रोसेस। तो सबसे पहले हम वर्किंग कैपिटल के अंदर सिर्फ करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज, तो यहाँ पे हमारी करंट असेट्स कौन सी है, इन्वेंट्रीज है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है और कैश है। तो ये चारों के चारों करंट असेट्स है, हम यहाँ पे लिख देंगे इन्वेंट्रीज, डेटर्स, बिल्स एंड कैश, चारों के चारों लिख दी। तो उसके बाद करंट लायबिलिटी लिखी जाती है, तो करंट लायबिलिटी में हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लिए नीचे अलग से है तो उसका अलग इफेक्ट आएगा, डिबेंचर लॉन्ग टर्म, तो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल हमने लिखे। अच्छा, वर्किंग कैपिटल कैसे बनाते हैं, तो अगर असेट्स की बात आती है, अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो इंक्रीजिंग, और असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है तो डिक्रीजिंग। 1,30,000 से 1,35,000 हो गई तो हमारी वैल्यू बढ़ गई, तो 15,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया, तो हमने प्रॉफिट लिख दिया 15, राइट। तो हमने प्रॉफिट 15,000 के हिसाब से उसकी फैक्टर इंक्रीजिंग, ये हो गया। डेटर्स 45,000 से 60,000 हो गए, ये भी बढ़ गए, तो हमने इंक्रीजिंग लिख दिया। बिल्स रिसीवेबल 90,000 से होकर 65,000, यानी कम हो गया, तो हमने डिक्री माइनस करके डिफरेंस करके 25,000 रुपये डिक्रीजिंग। कैश जो है 2,500 से बढ़ के 21,078 हो गई, तो ये बढ़ गया, तो हमने इंक्रीजिंग। अच्छा, ये हो गया करंट असेट्स की। अब बात करते हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का रूल्स क्या बनता है, अगर बढ़ता है तो डिक्रीजिंग, कम होता है तो इंक्रीजिंग। क्रेडिटर्स हमारे बढ़ गए 2 लाख से कम हो गए 1,70,000, यानी हमारी लायबिलिटी कम हो गई तो फायदा हो गया, तो हम इंक्रीजिंग में लिखेंगे 30,000। बिल्स रिसीवेबल 50,000 से बढ़ के 85,000 हो गए, यानी हमारे पास हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, तो 35,000 रुपये हमारे डिक्रीजिंग में लिखेंगे, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है तो डिक्रीजिंग, हमारी वर्किंग कैपिटल कम होगी। फिर हमने इंक्रीजिंग का टोटल कर लिया कि जो कि हो गया 78,570, और डिक्रीजिंग का टोटल कर दिया तो 25 + 35 हो गया 60,000। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, तो डिक्रीजिंग साइड पे हमारे पास यहाँ पे कम पड़ जाते हैं 18,518, तो ये हो गया हमारा नेट इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल, यानी हमारी वर्किंग कैपिटल इंक्रीजिंग हो रही है, और वो भी कितने से हो रही है, 18,518। अच्छा, ये हमारा वर्किंग कैपिटल। अब बात करते हैं इसके एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट की कोई इफेक्ट, याद रखता बच्चों की वर्किंग कैपिटल में नहीं है। यहाँ पे मशीनरी के लिए पहले बात करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सॉरी, क्वेश्चन है के अंदर हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट है, मशीनरी कॉस्टिंग 65,000 हैविंग रिटन डाउन वैल्यू 50,000 वाज सोल्ड फॉर 75, यानी 65,000 की मशीन की आज जो खरीदी थी तब, आज उसके वैल्यू कम होकर डेप्रिसिएशन निकाल निकाल के उसकी कीमत हो रही है 50,000, और उस वो मशीनरी हमने 75,000 में बेची, ये 50,000 के आइटम आपने 75,000 में बेची, इसका मतलब प्रॉफिट हो गया कितना, हो जाएगा 25,000 के पास। पहले हम यहाँ पे आपको प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 8,09,35,000, वो लिख लेंगे, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो भी लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी का डेबिट बैलेंस होता है तो हम डेबिट लिखेंगे, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस होता है तो ओपनिंग बैलेंस हम क्रेडिट में लिखेंगे, और उसके अपोजिट हम लिख लेंगे हमारा क्लोजिंग बैलेंस। तो हमने ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे 8 लाख, और जो कि क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास मेंशन किया था 9,35,000, वो लिख लिया। ओके, दोनों लिख लिए। इसी तरह से यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस लिख लिया, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस, चारों एंट्री हम लिख। अब जो कि एडजस्टमेंट की बात करते हैं, तो एडजस्टमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि आपने 65,000 वाली आइटम, हमने 15,000 तो हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगा, 75,000 डेप्रिसिएशन वेरी फर्स्ट डे ऑफ द वर्ल्ड ईयर 14। देख लेते हैं क्वेश्चन में, तो आपने 75,000 में बेच ली, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में आपने 75,000 लिख दिया, उसकी वैल्यू 15,000 कम थी, डेप्रिसिएशन था एक्यूमुलेटेड, तो हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000 लिया, और उसके अंदर हमारा प्रॉफिट हो जाता है, तो हमने यहाँ पे ये जो एंट्री दी उसके साथ साथ हमने यहाँ पे 25,000 रुपये प्रॉफिट हो गया उसकी भी, समझ गए। अच्छा, ये हो गया हमारा सेलिंग टाइम, प्रॉफिट पे बेच रहे हो तो पीएनएल अकाउंट यहाँ पे आपका मशीनरी अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे जाएगा, ओके, और आपका ये क्रेडिट साइड पे आपने जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो, और जो प्राइस पे बेचा हो। अच्छा, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की सेकंड इफेक्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाएगी, यहाँ पे आपने लिखा है क्रेडिट, तो यहाँ पे आपको लिखना है टू मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब हमने क्या कर दिया कि इसका टोटल करके डिफरेंस निकाल लिया,
तो हमारे पास डिफरेंस आ गया टू बैंक अकाउंट। ओके, ये जो हमारे पास डिफरेंस आ गया, ये डिफरेंस अमाउंट आपके पास था, तो ये डिफरेंस अमाउंट आपके पास जो था वो हमारा हो गया 2 लाख। तो थोड़ा अलग कलर का डिफरेंस आपको याद बैंक अकाउंट, इसकी हमें इफेक्ट देगी। ये जो है 25,000 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा, उसकी हम इफेक्ट ऑपरेशन में दे देंगे। तो यहाँ पे ऑपरेशन यानी ओ लिख लेते हैं, इसका ऑपरेशन में जाएगा। अच्छा, बीच हमने खरीदा हुआ है नया मशीन, तो पैसा जाएगा, तो पैसा जाएगा तो इसका मतलब हमारा यूजेस में जाएगा। तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं यूजेस की इफेक्ट, और जो कि हमने खरीदा हुआ है, तो खरीदा हुआ है इसका मतलब हमारा पैसा यानी सोर्सेस में जाएगा। तो हम यहाँ पे सोर्सेस बेच दिया, खरीदा हुआ है, सॉरी खरीदा हुआ है तो यहाँ पे यूजेस में जाएगा, तो हम इसको यूजेस में लिख देते हैं। और ये जो हमारे पास तो बेच दिया है, तो पैसा आएगा यानी सोर्सेस में जाएगा, राइट। एक्युमुलेट डेप्रिसिएशन के अंदर हमारा ये जो पीएनएल अकाउंट है उसके से अंदर सिर्फ इफेक्ट इफेक्ट जाएगा कि पीएनएल अकाउंट यानी करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो ऑपरेशन में जाता है, तो वो हम ऑपरेशन। ये हमारा 2 अकाउंट्स बन गए। अच्छा, उसके बाद देखते हैं कि 8% डिबेंचर हैविंग अ नॉमिनल वैल्यू 50,000 वर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर ऑन 30%। तो आपको देखा जाए तो यहाँ पे इक्विटी शेयर आपके पास ओपनिंग थे 4,50,000, मतलब डिबेंचर की बात करें, डिबेंचर 2,30,000 के 1,80,000 हो गए, 50,000 कम हो गए। इसका मतलब इसका अलग से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन 4,50,000 के थे, आपने 50,000 के और डिबेंचर इसमें कन्वर्ट कर दी, 5 लाख इक्विटी चाहिए, तो 5 लाख की जगह आपका यहाँ पे कितना बन रहा है, 5,75,000 रुपए, यानी मतलब हो गया 75,000 के आपने नए इक्विटी शेयर इश्यू किए हैं जो कि आपके सोर्सेस पे जाएगा। अच्छा, तो इसके इफेक्ट हम सोर्सेस में ला देंगे, तो साथ साथ इफेक्ट देते ही जाते हैं। तो हम यहाँ पे आपने यहाँ पे सोर्सेस पे इश्यू ऑफ शेयर 75,000 लिखे। अच्छा, उसके बाद देखा जाए तो आगे हमारे पास है ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड वॉज पेड 50,000 और उसका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है 10,000 to 8,000। तो ये हमने पे किया है तो हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने यूजेस के अंदर इसको लिखा हुआ है, यूजेस जो हमारे पास है उसके अंदर हमने लिखा हुआ है डिविडेंड पेड एंड डिविडेंड पेड, और ये दोनों चीज है एडजस्टमेंट के अंदर है, तो उसके दो इफेक्ट है। सेकेंड इफेक्ट फ्रॉम ऑपरेशन, ये नॉन एक्सपायर, यहाँ पे आपको एक्सपेंसेस पे के अंदर भी लिखना ऐड कर देना है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सॉरी प्रपोज डिविडेंड एंड डेबिट और डेबिट, तो इफेक्ट इसकी है। अच्छा, उसके बाद है आपके पास कि 40,000 वॉज पेड टूवर्ड्स इनकम टैक्स इंटर, आपका देखो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपके पास था, तो उसके लिए हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट, सॉरी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बना लिया। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज अ लायबिलिटी, तो उसका ओपनिंग बैलेंस होता है 65,000 और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास रहता है 40,000। हमने क्वेश्चन में बोला गया था कि भी आपका 40,000 आप टैक्स पे करे हो, तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट लिख दिया। तो ये 40,000 रुपये आपको क्या करने हैं, आपने टैक्स पे किया है, एक्चुअली पे किया है, तो आप स्टेटमेंट के अंदर लिख दोगे दैट इज आपने टैक्स पे 40,000। ओके, और बाकी का जो डिफरेंस आएगा वो हम कहाँ लिखेंगे, पीएनएल अकाउंट में, यानी करंट ईयर में आपने 25,000 रुपये का क्या बनाया हुआ है, प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है, तो ये प्रोविजन आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में चला जाएगा, क्योंकि आपका फंड फ्लो फंड फ्रॉम ऑपरेशन में हम लिखते हैं दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 25,000। तो इस तरह से आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट सारी एडजस्टमेंट हो गई और मशीनरी की जो है इफेक्ट्स वो भी देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं मशीनरी की इफेक्ट्स हमने यहाँ पे लिखी थी। तो पहले तो हमारा आ जाएगा ये 2 लाख रुपए का हमने खरीदा हुआ है मशीन, तो हमने यहाँ पे यूजेस में लिखा हुआ है, तो आप यूजेस में इसके अंदर आप चेक कर सकते हो, हमने यूजेस के अंदर लिखा रहे है कि दैट इज परचेज ऑफ मशीनरी, पहली आइटम ही दे रहा। उसके बाद हमारे पास जो था उसके अंदर दूसरी थी 75,000, हमने सेल कर दिया था मशीनरी, तो पैसा आ जाएगा। तो सोर्सेस के अंदर भी हमने लिखा हुआ था दैट इज सेल ऑफ मशीनरी 75। ओके, उसके बाद ये यहाँ पे और कोई नहीं आएगा, हाँ ऑपरेशन में आएगा 25,000 जो कि हमारा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट हम ऑपरेशन में माइनस करते हैं, तो यहाँ पे लेस में लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 25। ओके, यानी मशीनरी की तीनों इफेक्ट हो गई। अब बात करते हैं एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन में, उसमें सिर्फ एक एंट्री है आपका डेप्रिसिएशन। ओके, तो 1,13,578, तो हमने यहाँ पे ऑपरेशन के अंदर वो भी दे रखा है,
डेप्रिसिएशन मशीनरी 1,13,500 है। सारी एडजस्टमेंट हो गई, आप बाकी के आइटम्स चेक कर लेते हैं। देखो इक्विटी शेयर में हमारा 75,000 का था प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग दे रखा था 55,080 हज़ार, तो हमने वो तो ऑपरेशन के अंदर पहले ही ले रखा है। क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस करके आपका 55,000। अच्छा उसके बाद था डिबेंचर में, तो एडजस्टमेंट हो गया, 50,000 कम हुआ था क्योंकि थर्ड एडजस्टमेंट में आपको बताया था, सॉरी सेकेंड एडजस्टमेंट बताया। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल तो ऑलरेडी हमारे हो गए, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का हमने अकाउंट बना। अच्छा यहाँ पे चल जाते हैं असेट साइड के ऊपर, तो प्लांट एंड मशीनरी एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का हमने अकाउंट बना के खत्म कर दिया। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 90,000 से 1,20,000 हो गए, यानी कि हमने 30,000 के और इन्वेस्टमेंट परचेज किए। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी यूजेस ऑफ फंड, तो हमने यहाँ पे यूजेस ऑफ फंड के अंदर यहाँ पे एंट्री दिखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 30,000 लिखा हुआ है, इट्स यूजेस ऑफ फंड। उसके बाद इन्वेंट्रीज, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल एंड कैश, ये चारों तो हमारा वर्किंग कैपिटल भी रहता है, तो यहाँ पे हमारा वर्किंग कैपिटल भी चला गया। तो अब बात करते हैं टोटल, अब होता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन का टोटल, यानी जितने भी आपके पास ऐड करने वाले आइटम थे इसका सबका टोटल हमने करके 2,17,258 हमने लिख दिया है, 2,17,258, क्योंकि 25,000 के अंदर हमने ऐड कर दिया। एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो था माइनस करना था प्रॉफिट, वो माइनस, तो हमारे पास अगर देखे तो ये 25,000 में से 2 लाख ऐड करेंगे 2,17,258, और उसमें 25,000 माइनस करके 2,17,258, ये हमने हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन का जो भी आंसर आएगा अगर प्लस में आता है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर फंड फ्रॉम ऑपरेशन लिख देंगे 2,17,258, और सोर्सेज के टोटल हो गए हमारा 3,67,258, यानी कि इन तीनों का हमने मिला। अच्छा यूजेस के अंदर जो भी जितने यूजेस थे सारे के सारे यूजेस का टोटल हमने बना के हमें सोर्सेस में से ये माइनस कर देना है, तो ये हमने यूजेस लिख दिए, और सोर्सेस माइनस यूजेस का जो आपका डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आता है नेट इंक्रीजिंग वर्किंग, अगर सोर्सेज ज्यादा है तो नेट इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल, और अगर आपका समझ लो कि आपका यूजेस ज्यादा है तो वो आप नेट डिक्रीजिंग आ जाएगा। ओके तो इस तरह से आपको ये कैलकुलेशन करना है। अब ये आइटम यानी ये क्वेश्चन का आंसर आपका पहले जो वर्किंग कैपिटल का आंसर आया था उससे मैच हो जाना चाहिए, 18,573 मिल गया, इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन पूरी सही। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, जो कि उसके और का क्वेश्चन जो है हमारे पास ये कैश फ्लो बनाना था, हमने कैश फ्लो नहीं बनाया है। उसके बाद हम सेक्शन 2 में चले जाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारा जो क्वेश्चन है उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो पहले आप ये पूरा एक वीडियो आराम से देखिए, उसके बाद हम सेकेंड वीडियो अपलोड करेंगे, जाइएगा। हैव अ गुड डे।